ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां पर आईएएस रजनीश दुबे के निजी सचिव ने खुद को गोली मार ली है। सचिवालय में निजी सचिव ने गोली मारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, बापू भवन के 8वें फ्लोर पर खुद को गोली मार ली है निजी सचिव विश्वंभर दयाल ने, खुद को गोली मारी है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। गंभीर हालत में विश्वंभर दयाल को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रजनीश दुबे के नगर विकास में इस खबर के बाद हंगामा मचा हुआ है लगातार। आपको बता दें कि आईएएस रजनीश दुबे सचिवालय में निजी सचिव ने गोली मारी खुद को। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के निजी सचिव हैं रजनीश दुबे। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आईएएस के निजी सचिव ने खुद को गोली मारी है। सचिवालय की इस घटना से अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आपको बता दें कि रजनीश दुबे के निजी सचिव, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली सचिवालय में। बड़ी खबर इस वक्त की, बापू भवन के 8वें फ्लोर पर खुद को गोली मारने की घटना सामने आ रही है। इसके बाद उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईएएस अधिकारी रजनीश दुबे के निजी सचिव ने खुद को गोली मारी है। फिलहाल अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही सचिवालय में गोली चलने की आवाज आई है, अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा गया। बापू भवन के 8वें फ्लोर पर खुद को गोली मारी। बड़ी जानकारी, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, कैसे आखिरकार ये पूरी घटना हुई है और अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी उसको एडमिट कर दिया गया, लोहिया अस्पताल में लाया गया, वहां उसका इलाज चल रहा है, क्रिटिकल है। क्योंकि जहां गोली लगी है वो बहुत ही अच्छी हालत नहीं कही जा सकती। जो नगर विकास के प्रमुख सचिव है रजनीश दुबे, उनके निजी सचिव है, उसने खुद को बापा भवन के कमरे में खुद को गोली मारी। तब सवाल ये उठता है कि जो हाई सिक्योरिटी जोन में इसका रिवॉल्वर कैसे अंदर पहुंच जाती है, पहला सवाल यही सवाल बनता है। अगर हम उस शख्स की बात करें जिसने खुद को गोली मारी, निजी सचिव की बात करें, तो क्यों मारी गोली ये मालूम किया जा रहा है। आज से क्या मामला था, कोई फैमिली टेंशन थी या कोई और बात थी, ये सब तहकीकात की जा रही है। लेकिन जो अभी सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि बापू भवन के अंदर जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां कैसे एक रिवॉल्वर अंदर पहुंच जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें रजनीश दुबे के निजी सचिव की, जिसने खुद गोली मारी है, तो उसका तहकीकात चल रही है। पहले तो ये उसको बचाया कैसे जाए, बच जाता है तो खुद ही बताएगा कि ऐसे क्या हालात थे जब गोली मारी। उसे परिवार वालों से भी अभी तो नहीं, लेकिन जब बाद में जरूर एक बार पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या घर का कोई प्रेशर था उसके ऊपर, क्या ऑफिसर कोई प्रेशर था उसके ऊपर, तमाम तरह की बातें तो इंतजार करना होगा कि वो खतरे से कब बाहर आता, कब बयान देने लायक होता है। और अगर खुदा न खास्ता उसकी जान चली जाती तो जाहिर सी बात है फिर अलग तरीके से तहकियात की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है वो डॉक्टर के संपर्क में है, वो ये जाना, वो कोशिश डॉक्टर कोशिश कर उसको बचाने की, लेकिन जो हालत बताई जा रही है वो बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल खुर्रम, अपने आप में कई सवाल खड़े करती है घटना। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें उनके स्वास्थ्य को लेकर, कि क्या अस्पताल से अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी कोई जानकारी अस्पताल से नहीं मिल पाई है। ये बताया जा रहा है कि उसका इलाज चल रहा है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डॉक्टर जरूर ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है वो। तो अब देखना यही है कि क्या डॉक्टर बचा पाते कि नहीं बचा पाते। लेकिन फिलहाल पुलिस हो या डॉक्टर या परिजन, सबकी निगाह उस अस्पताल पर ही है। और जाहिर सी बात है डॉक्टर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको किस तरह से बचाया जाए। खुर्रम, सचिवालय जैसा हाई सुरक्षा का इलाका और वहां पर इस तरीके से जैसे कि आप बता रहे हैं एक पिस्टल चले जाना, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जो असलाह था जिसने गोली मारी वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि जो रिवॉल्वर था क्या उसकी लाइसेंसी थी। अगर लाइसेंसी नहीं थी तो जाहिर सी बात है कि और एक बड़ा मामला सामने आएगा अगर लाइसेंसी नहीं होती है तो। लेकिन फिलहाल ये मालूम कि फिलहाल असलाह के बारे में जानकारी ली जा रही है कि असलाह उसके पास कैसे पहुंचा अंदर, साथ में वो लाइसेंसी थी या नहीं थी। लेकिन जो सवाल अभी भी सबसे बड़ा है वो यही है कि जो हाई सिक्योरिटी जोन है बापू भवन, उसके अंदर असलाह रिवॉल्वर या फिर किस कैसे अंदर पहुंची, ये बड़ा सवाल है जी। खुर्रम, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि जहां पर ये आईएएस रजनीश दुबे के निजी सचिव और जहां पर उन्होंने खुद को गोली मारी उस कक्ष में कोई और भी मौजूद था? और ये भी सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है कि क्या वहां पर आईएएस रजनीश दुबे की भी मौजूदगी बापू भवन में थी?
देखिए अभी ये नहीं पता चल पाया किस जगह उसने गोली मारी खुद को, वहां कौन कौन था उसके आसपास, क्या रणवीर दुबे उस दफ्तर में नहीं थे, ये सब बातें बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि पहला बड़ा सवाल यही है कि बापू भवन के अंदर असलाह कैसे पहुंचा, दूसरा ये कोशिश ये हो रही है कि उसे किसी ने बचाया जा सके, और तीसरी जो पुलिस तफ्तीश कर रही है खामोशी के साथ वो ये तफ्तीश कर रही है कि आखिर क्या वजह हो सकती है उसको खुद को गोली मारने की। जी, जैसे ये घटना घटी है उसके बाद क्या वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं घटनास्थल पर, वहां से कोई जानकारी इस वक्त आ रही है खुर्रम? देखिए घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है, जानकारी भी ले रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये तो तभी मालूम चल पड़ेगा आज जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल सबको इंतजार बात का कि किस तरीके से उसको बचाया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। तो खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फिलहाल जो आईएएस रजनीश दुबे के निजी सचिव है उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया और लगातार डॉक्टर्स जो है वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं।